के साथ सौरभ शर्मा और आप देखें एलआर न्यूज 24x7। बीजेपी के बागी सांसद कीर्ति आजाद झा आज कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। जिस तरीके से बीजेपी को लगातार निशाने पर रखते थे कीर्ति आजाद, आज दिल्ली के मुख्यालय कार्यालय कांग्रेस में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनकी सदस्यता दिलाई है। दरअसल देखने वाली बात यह है कि महागठबंधन से पहले ही उम्मीदवार दरभंगा से तय कर दिया गया था। वहीं बात कही जा रही थी कि मुकेश सहनी दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे, मगर कीर्ति आज़ाद आज कांग्रेस का दामन जैसे ही थामा, वह दरभंगा की सीट जो है हॉट सीट बन गई है। अब कांग्रेस के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण होगा कि कीर्ति आज़ाद को वहां से चुनाव लड़वाना। दरअसल देखने वाली बात यह होगी कि अब महागठबंधन किसको टिकट देता है और किसको वहां से अपना प्रतिनिधि बनाता है। देखिए क्या कुछ कीर्ति आज़ाद ने कहा। कोई भी खिलाड़ी हो, वो अपने देश के लिए खेलता है, देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेलता है। उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए काम किया और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे नौजवान कर्मठ ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने मुझे यह पटका दिया, अपने हाथों से पहनाया और मैं धन्यवाद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्यार से लिया है और कहा है कि आपको कोई भी तकलीफ यहां पर नहीं होगी। मैंने पिछले 5 सालों में केवल जुमले सुने, मेरे पास सरकारी दस्तावेज 400 कागज थे और सरकारी कागज थे। एक निजी संस्था थी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष अभी के वर्तमान में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी थे, जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था, जिसके बारे में मैं पिछले 15 से 20 सालों से उसके भ्रष्टाचार 400 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहा था। मुझे दुख हुआ कि पार्टी में मेरी बात नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, बड़ी प्रसन्नता हुई थी मुझे जब उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की बातें करती थी, उसके सामने जब सरकारी दस्तावेज मैंने पेश किए तो मेरे पीठ में छुरा भोंका गया। कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। और मैं तभी उस वक्त समझ गया कि और जुमलों की तरह है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये जुमला है। तो देखा आपने, बीजेपी के बागी सांसद कीर्ति आजाद झा ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी जो है कार्यकर्ता की बात नहीं सुनती है और मेरी वहां पे इज्जत नहीं होती थी, इसलिए मैंने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस कार्यकर्ता का सम्मान करती है। दरअसल अब देखने वाली बात यह होगी कि अब महागठबंधन में किस उम्मीदवार को दरभंगा से चुनाव लड़वाया जाता है कि नहीं, यह एक चुनौतीपूर्ण बात जरूर है। कैमरा पर्सन संजीव आर्या के साथ सौरभ शर्मा, LR News 24x7, पटना।